20 अगस्त 2011 को प्रातः 8 बजे से 1 बजे मध्यान्ह तक राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ 2011 के 4 पदाधिकारी और 100 प्रतिनिधि के चुनाव हो रहे हैं। इसके लिए कुल 199 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 20 मतदान केंद्र 100 प्रतिनिधि के हैं और 189 मतदान केंद्र छात्र संघ पदाधिकारियों के लिए हैं। कुल 27,452 मतदाता मतदान करेंगे और इसके लिए ठीक 2 बजे, 1 बजे चुनाव समाप्त होने के बाद ठीक 2 बजे मतपेटियों के संग्रहण के बाद मानविकी सभागार में अपेक्ष बोर्डी छात्र संघ के मतगणना प्रारंभ हो जाएगी। मतगणना के लिए टीम बना दी गई है। प्रोफेसर बी के श्रीवास्तव उसके संयोजक हैं। टीम को प्रशिक्षण दे दिया गया है। जहां तक इनवैलिड वोट्स की बात है, इनवैलिड वोट्स को एक स्तर पर इनवैलिड नहीं घोषित किया जाएगा, उसको 3 चरणों में देखा जाएगा। पहले टेबल वाले देखेंगे, फिर उसका कन्वीनर देखेगा और उसके बाद जो है सेंट्रल 3 आदमी की कमेटी बनाई है जो देखेगी, ताकि किसी भी स्तर पर कोई भी इनवैलिड वोट किसी भी लापरवाही से या कम दिखाई देने की वजह से या निर्णय गलत होने की वजह से न हो जाए। वैसे तो हम शिक्षक हैं और सारे बच्चे हमारे हैं, इसलिए सुरक्षा उनके हाथों में है। अगर वो अच्छा सुरक्षा रख के मतदान कराएंगे, मतदान अच्छा होगा, और अगर सुरक्षा बिगाड़ेंगे, मतदान उन्हीं के प्रतिकूल असर पड़ेगा। इसके बावजूद हमने हमारे शिक्षकों की भी टीम गठित की है, पुलिस प्रशासन का भी सहयोग लिया गया है और बाकी भगवान है। ये प्रथम चरण होगा। इसमें से अलग अलग पदाधिकारी के वोट चुने जाएंगे और वो अलग अलग पदाधिकारी के वोट प्रेसिडेंट के वोट प्रेसिडेंट की टेबल पे भेजे जाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट के वोट वाइस प्रेसिडेंट के टेबल पे भेजे जाएंगे, जॉइंट सेक्रेटरी और महासचिव और रिसर्च प्रतिनिधि के अपने अपने टेबल पे भेजे जाएंगे। जब संबंधित पद के मतपत्र संबंधित टेबल पे पहुंच जाए उसके बाद वैलिड वोट्स अलग किए जाएंगे, इनवैलिड वोट्स अलग किए जाएंगे। इनवैलिड वोट्स के लिए जैसे मैंने कहा 3 चरणों में अलग से कमेटी काम करती रहेगी। जहां तक वैलिड वोट्स की बात है, क्योंकि फिर थर्ड चरण में जाकर के उम्मीदवार वार 50-50 की गड्डियां बनाई जाएगी। उम्मीदवार वार गड्डी बनाने से पहले रिजेक्टेड वोट्स या इनवैलिड वोट्स अलग कर लिए जाएंगे। उम्मीदवार वार होने के बाद 50-50 की गड्डियां बनाई जाएगी और चौथे चरण में जाकर के उन सब गड्डियों को एक साथ जोड़ा जाएगा। तो 4 चरण हैं मतगणना के।